अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के आखिरी दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 2.9 सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। फर्ज करें कि ट्रेन है जो कि 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती जा रही है, तो जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद उस ट्रेन की स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर से कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इस दौरान जो उसने फासला तय किया है वो फासला है 800 मीटर का। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट की हालत में पहुंचने से पहले ट्रेन मजीद कितना फासला तय करेगी, वो फासला हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। यहाँ पर गिवन डाटा है हमारे पास, उस ट्रेन की जो इनिशियल स्पीड है वो है 96 किलोमीटर पर आवर, VI है यहाँ पर 96 किलोमीटर पर आवर। तो जब ब्रेक्स लगाई जाती हैं, ब्रेक्स लगाने के बाद उसकी स्पीड कम होकर 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब ये उसकी स्पीड फाइनल स्पीड होगी। तो हमने पढ़ा था कि सिस्टम इंटरनेशनल में स्पीड के यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड करेंगे 3600 पे, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से 48 किलोमीटर पर आवर को भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और डिवाइड कर देंगे 3600 पे, तो इसका आंसर आएगा 30.3 मीटर पर सेकेंड। अब इस दौरान जो उसने फासला तय किया है वो फासला है 800 मीटर का। अब ये तो वो फासला है जब ब्रेक्स लगाने के बाद उस ट्रेन की स्पीड 96 से 48 हो जाती है, और हमने वो फासला मालूम करना है जब ट्रेन की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर से जीरो हो जाती है। इस दौरान जो उसने फासला तय किया था हमने वो फासला मालूम करना है, मतलब हमने डिस्टेंस एस मालूम करना है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम इन तीन इक्वेशंस में से कौन सी मोस्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो हम वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस या तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में है या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हुए डिस्टेंस निकालना चाहें तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो टाइम मालूम करना पड़ेगा और फिर हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, उसके बाद जाकर हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जरा थर्ड इक्वेशन को देखते हैं जो कि है 2as is equal to vf square minus vi square। हमने मालूम क्या करना है, डिस्टेंस s हमने मालूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास इनिशियल स्पीड vi भी है, फाइनल स्पीड vf भी हमारे पास है, उसके बाद हमने मालूम करना है डिस्टेंस s, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं है। तो डिस्टेंस मालूम करने से पहले हमें एक्सेलरेशन मालूम करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन हम किस इक्वेशन से मालूम करेंगे, अब सवाल ये पैदा होता है
कि हम डिस्टेंस तो थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हुए मालूम कर लेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन हम किस इक्वेशन को अप्लाई करते हुए मालूम करेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए एक्सेलरेशन मालूम करते हैं तो उसके लिए हमें टाइम मालूम करना पड़ेगा, ये फिर और लेंथी हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी हमें टाइम मालूम करना पड़ेगा, तो ये दोनों डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन फिर हम किस इक्वेशन से मालूम करेंगे, वो भी हम थर्ड इक्वेशन से मालूम करेंगे, क्योंकि इनिशियल स्पीड हमारे पास है, फाइनल स्पीड भी है, डिस्टेंस एस भी हमें पता है और एक्सेलरेशन हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे और उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे उसके बाद हम डिस्टेंस मालूम करेंगे और वो डिस्टेंस भी हम इसी थर्ड इक्वेशन से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं। टू फाइंड ए वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे मालूम करना है, तो बाकी हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। 2a हम वैसे का वैसे यहाँ पर लिख देंगे, डिस्टेंस s है हमारे पास 800 मीटर, यहाँ पर 800 आ जाएगा, फाइनल स्पीड है उसकी 13.3, उसका स्केयर ले लेंगे, माइनस इनिशियल स्पीड है 26.6, उसका भी हम स्केयर ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये 1600 आएगा, ए वैसे का वैसे लिख देंगे यहाँ पर, और हम इसका स्केयर ओपन करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा, माइनस इसका भी स्केयर ओपन करेंगे, ये आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -530.67। तो हमने यहाँ से क्या मालूम करना है, हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए 1600 को यहाँ से खत्म करना पड़ेगा, तो दोनों साइड्स पे हम 1600 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 1600 से 1600 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -0.33 और उसके यूनिट हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव में है। अब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में क्यों है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को जाहिर कर रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन होता है जिसमें किसी बॉडी की स्पीड टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। अब चूंकि उस ट्रेन की स्पीड टाइम के साथ साथ कम हो रही है तो इसलिए जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया है, अब यही एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यूज करते हुए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और वहां से हम डिस्टेंस एस निकाल लेंगे। नाउ वी टेक, अब हम इनिशियल स्पीड जो है वो ट्रेन की क्या है, अब इनिशियल स्पीड ट्रेन की है 13.3, क्योंकि जब उसकी स्पीड थी 26.6 तो ब्रेक से लगाने के बाद उसकी स्पीड हो गई थी 13.3। तो जब उसकी स्पीड 13.3 से जीरो हो जाती है उस टाइम में हमने फासला मालूम करना है। तो इसका मतलब है कि अब उसकी इनिशियल स्पीड होगी 13.3 मीटर पर सेकेंड और उसकी फाइनल स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो ट्रेन अब रुक चुकी है। तो फाइनल स्पीड यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। टू फाइंड डिस्टेंस एस वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अब भी, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। टू वैसे का वैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, एस हमने मालूम करना है, फाइनल स्पीड है उसकी जीरो, उसका स्केयर लेंगे, माइनस
इनिशियल स्पीड है 13.3, उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 0.66 आएगा, एस वैसे का वैसे लिख दिया यहाँ पर, जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा, माइनस 13.3 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर ये आएगा हमारे पास। अब हमने डिस्टेंस एस मालूम करना है, तो डिस्टेंस एस मालूम करने के लिए हमें यहां से माइनस 0.66 को खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पर माइनस 0.66 के साथ डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस की जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 266 और यूनिट लिखेंगे हम मीटर। तो जब ट्रेन की स्पीड 13.3 से 0 मीटर पर सेकंड होती है, उस दौरान जो उसने फासला तय किया था वो फासला था 266 मीटर का, यहाँ पर हमारा 2.9 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम 2.10 को सॉल्व करेंगे। इन अबाउट प्रॉब्लम देखें, ये जो 2.9 और 2.10 ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, दोनों की स्टेटमेंट सेम है। इन अबाउट प्रॉब्लम ये इसी 2.9 प्रॉब्लम की बात की गई है कि सारी स्टेटमेंट सेम होंगी 2.9 की तरह से। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक्स लगाने के बाद जब वो ट्रेन रुक चुकी थी तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगा है, वो टाइम हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन में हमने टाइम टी हमने फाइंड करना है। तो देखिए, शुरू में ट्रेन 26.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती जा रही थी, तो जैसे ही ब्रेक्स लगाई गई उसकी स्पीड कम होकर 13.3 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अब इस दौरान जो उसको टाइम लगा होगा वो टाइम हम फाइंड कर लेंगे और उसको हम बोलेंगे ये टाइम है T1 का। उसके बाद जब उस ट्रेन की स्पीड 13.3 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है, इस दौरान जो उसको टाइम लगा था वो टाइम भी हम फाइंड कर लेंगे और उसको हम नाम देंगे T2 का। तो अब हमने दो टाइम फाइंड किए, एक T1 फाइंड किया है और दूसरा T2 फाइंड किया है। तो टोटल टाइम जब हम फाइंड करेंगे, इन दोनों टाइम को हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आएगा। तो सबसे पहले हम T1 फाइंड करेंगे। T1 वो टाइम है जब उसकी स्पीड 26.6 से 13.3 हो जाती है। तो फाइंड T1 वो यूज। T1 फाइंड करने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी? थर्ड इक्वेशन तो हम वैसे ही अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें टाइम का फैक्टर नहीं है। टाइम या तो फर्स्ट इक्वेशन में है या फिर सेकंड इक्वेशन में है। अगर आप सेकंड इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फाइंड आप इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हुए टाइम T1 फाइंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। अब At होता है क्योंकि हमने T1 फाइंड करना है, इसलिए हमने T की जगह पे T1 लिख दिया है। Vf उसकी फाइनल स्पीड है 13.3 है, इनिशियल स्पीड है उसकी 26.6 प्लस वैसे का वैसा आ गया। अब एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया था, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट सेम है तो इसलिए अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यही पुट करेंगे जो कि है -0.33 और T1 हमने फाइंड करना है। तो 13.3 वैसे का वैसे लिखेंगे, 26.6 भी वैसे लिखेंगे। अब प्लस माइनस माइनस होता है,
0.33T1 as it is लिखेंगे। तो 0.66 को जब हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज यहां पर लिखेंगे। उसके बाद जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -13.3। इसको वैसे का वैसा लिख दिया। अब हमने T1 फाइंड करना था, तो T1 फाइंड करने के लिए यहां से हमें -0.33 को खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे हम पहले खत्म करते हैं, दोनों साइड्स में हम -0.33 के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास टाइम T1 आएगा 40 सेकेंड्स, कि जब उस ट्रेन की स्पीड 26 से 13 हुई है, इसके लिए जो उसको टाइम लगा है वो टाइम है 40 सेकेंड्स। अब जब उसकी स्पीड 13.3 से 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, इसके लिए जो उसको टाइम चाहिए, अब हम वो टाइम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर जो उसकी इनिशियल स्पीड होगी वो होगी 13.3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो ट्रेन रुक जाती है, तो उसकी फाइनल स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। टू फाइंड T2 वही यूज के हमें T2 फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, जो है Vf is equal to Vi plus A। अब T था यहाँ पर, क्योंकि हम T2 फाइंड कर लें तो इसलिए हम यहाँ पे T2 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दे दी है। Vf है हमारे पास 0, Vi है 13.3, प्लस एक्सेलरेशन है -0.33, वही हम वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे, और T2 हमने फाइंड करना है। उसके बाद 0 वैसे का वैसा आ जाएगा, 13.3 ये भी हम वैसे लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -0.33, और T2 हमने फाइंड करना है। इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और इसको हम वैसे का वैसा लिख देंगे यहाँ पर। क्योंकि अब हमने T2 फाइंड करना है तो इसलिए हम यहाँ पर -0.33 को रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए हमें दोनों साइड्स पर -0.33 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम T2 आ जाएगा 40 सेकेंड्स। अब ये 40 सेकेंड्स का टाइम वो टाइम है जब ट्रेन की स्पीड 13.3 से 0 हो जाती है, वो भी टाइम है 40 सेकेंड्स। तो अगर हम एक टोटल टाइम निकाल लें तो हम इन दोनों टाइम को जमा कर लेंगे। टोटल टाइम को हम नाम देंगे T का, वो इक्वल हो जाएगा T1 प्लस T2 के। अब T1 है हमारे पास 40 प्लस T2 है 40, दोनों को जमा करेंगे, टोटल टाइम आएगा हमारे पास 80 सेकेंड्स। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।